हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग हेमोटमा। मम उदेट तेबोन नेति निसा गेदर फ्रूट्स हेम तिब्बोत फ्रूट जूस हदला बोनवा अद गेदर तिब्बे एवोकाडो ए निसा मम एवोकाडो जूस एक हदागत्ता। जूस के बील इवर वेला उदे कैम का हदान पटांग गत्ता। उदय तो मम वाइट सॉस पास्ता तमा हदुवे एक रेसिपी का तोयाट बलागन्न पुलुवा। पास्ता के तंब गन्न इसलाम भाजन एक वतुर एक करलाकट लुणुई तेलुई एक करला वतुर एक हुणु कर गत्ता। वतुर एक रत्वन अत्तरे मम लूणु ओक्कोमटिक सुद्ध करगेन कपा गत्ता। अवश्य इंग्रीडियंट्स टिक मम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दान्ना। उणु वतुर एकट तेल एकतु कर गत्ता। पास्ट टीके एक टेक एलेन नतीवतीनवा ए हिंदू तमें मैं तेल एकतु कर गाते। उणु वतुर एक पास्ट टीके एकतु कर ला विनाडी पहक विदर मैं हुंदर तंब गन्नवा। मम गाली खोंदट होदगेन पुतु तेक्क तम एकतु करगन्ने। अवश्य कलमनाटिक कपागान अतरे पेस्टेक हुंदर तेंबिला पेस्टेके वतुटिक हुंदर मम पेरा गत्ता। ईलंगट मम वाइट सॉस का हदान पटांग गत्ते। एकट बटर तेहन दक विदर ताच्चे एकट दाल हुंदर रत कर गत्ता। बटर टिक हुंदर रत्तुनाट पासे मम चॉप कर गत्तु गार्लिक टिक एकतु करल हुंदर बेद गत्ता। गार्लिक वाले तीन अमुसुंद गियाट पास एक पाप तेहन दर गता मुखद फ्रेश मिलकर थिकनेम पापर गे कॉर्नफ्ला तीन वन पापिट विन कॉर्नफ्लाकर विना तुना पापिट टीका हम बेदेंड तीयला मैं फ्रेश मिलकर गता। दैन मेक लो फ्लेम तीयला विनाडी पहक इतर हाँ एक गम्मी स्टिक लुणु अवश्य पमन एक तो गत्ता। वाइट सॉस नॉन स्टिक बाजन यूज कर लेसी मुखद किम वटेटम कटिगे बलनवा। දැන් මේ විනාඩි 5කට පස්සේ දැන් පැස්ටා එකට චිකන් එක හදන්න යන්නේ। ඉස්සෙල්ලා මේකට භාජනයක් කරන් ඒකට තෙල් එකතු කරලා රත් වෙනාට පස්සේ කරපිංචා සුදු ලුණු එකතු කරලා හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්න। බැදීගෙන එද්දී කොච්චි දෙක තුනක් එකතු කරගන්න। මම ගොඩක්ම කැමති කොච්චි එකතු කරලා උයා ගන්න। ඔයාලා කැමති නම් අමු මිරිස් එකතු කරගන්න। දැන් ඒකටම ලුණු ටිකක් එකතු කරගෙන හොඳට තෙම්පරාදු කරගත්තා। දැන් මේකට මම කෑලි මිරිස් ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරගත්තා।
लून टीक हट तेल बेदल आवट पे चिकन टीके कुतने चिकन वत्तर पटांगण को तकाली टीकला मूदी वह गण दें चिकन हर तमिले मेकटे प्लास्टिक मिक्स कर दें नीट उड़ी मम हदागत वैट सॉस मेहम तमाय मम उदय कैमक हदा करते अमेह मार भीतर वेदी अभी ब्रेकफास्ट करगता मम लंच करगाने पुडिंग एक खेदुआ एक रेसिपी का तुवाट बलागन पुलवां मेक गोड़ा क्रसाई वाला थदल बनाना गेदरती मैं पुडिंग के अटम लेक हदाने एक मेवगे मार बिस्कट अरगेना मेवगे पोड़ कड़ागे मे गाने कड़ागे ईलंगटे बाजन एकट फ्रेश मिल्क अंदर रतकड़े फ्रेश मिल्क नेत्तां किरिबिटि मेसे हंदी हदराक विदर उनु वतुर एक टिकट करला मिल्क एक हदा गान पुलवा ममात मिल्क पाउडर यूज करला तमाय में हदाने किरि एक हंदर रत्तुनाट पासे एक टा कोको पाउडर टिक एक टिक कर गाने कोको पाउडर एक मिल्क एक हंदर टा दिए वेन्न मिश्र कर गानोने हंदर टा मिश्र कर गानोने नेत्तां कोको पाउडर टिक एहेमम कैटि कैटि गहिला तियन्न बलनवा दीवनाट पास वेनिला एसेंस ड्रॉप हतर पितर एक सीनी टिकट इकत अपे गेदल रतु सीनी तमा यूज कराने मम रतु सीनी मरगत्ता सीनी टिक दीवनाट पास अपे कड़ागत्त बिस्कट वलट मे मिश्रणे दागन्न दें मेक हुंदेट मिक्स करगन्न चॉकलेट मिश्रण वेडी उना थव बिस्कट दिखता कड़ाला मे मध्य मिक्स कर मिक्स कर अतर पास मे विधि गनक तीयन दें मंग पुडिंग हदन कपेकट बटेट इकतला कपक बटेट अंदट गागत कपलट मैं बिस्कट मिश्रण दागता हेंद कट मेवगे बट गागेन अभी दागत मिश्रण हट से दें मे कप्टिक फ्रिज के विनाडी पहाक ईलंगट मम पुडिंग के सेकंड लेयर हदन पटांगत्ता एक मम बाजन एक कस्टर्ड पुडिंग कप्पेकाय मिल्क कप्पेकाय वतुर कोप्प देक्कु एकतु करला हुंदेट दिय करगत्ता पस्से तमाय मम लिप ऑन करगत्ते वीगन एड्ड सीनी टिकत एकतु करगन्न डिस्क्रिप्शन एके इंग्रेडिएंट्स टिके मेजरमेंट्स टिके दाला तियेन्ने कस्टर्ड पुडिंग एक इक्मनटम अडी अल्लन्न बलनवा ए निसा हंदि गागनम इन्नोने दैन मे पुडिंग एक सेट वीगन एन्ने मे विधियट एद्दी हुंदट इक्मनटम हंदि गागन्नोने नेता इक्मेंट कटिगे बलनवा पुडिंग
දැද්දි පුඩින් එක බා ගන්න ඕනේ. රස්නේ පිටින්ම පුඩින් එක දා ගන්න ඕනේ නැත්නම් ඉක්මනට කැටි ගහන්න බලනවා. දැන් මේකත් විනාඩි 5ක් විතර තියාගන්න ෆ්‍රිජ් එකේ. ඊළඟට 3rd layer එක හදාගන්න යන්නේ. ඒකට භාජනයකට කිරි සීනි එකතු කරලා හොඳට රත් වෙන්න දෙන්න. කිරි එක උතුරගෙන එනකොට फलूडा सिरप एकत करगन्नोने सिरप टीके एकत करला हंदट मिश्र करगेन मेक निवेन्न तियन्न फलूडा का निवेन अत्तरे अपी जेलटिन मिक्स का हदागमु एकट जेलटिन तेहंदी दिकाक एकत करगन्नोने एकटम तेहंदी तुना पत्तुर एकत करगन्न जेलटिन टिका तिया करला विनाडियक विदर तियाद्दी जेलटिन टिका घन वेनवा अप्पी एकट कियनवा जेलटिन ब्लूम वेनवा कियला ब्लूम उनाट पस्से अप्पी जेलटिन टिका फलूडा एक एकतु करला हंदरट तिया करगन्न ओने දැන් මේ ෆලුඩා මික්ස් එක නිවුනට පස්සේ අපේ 3 මිනි ලේයක විදිහට කප් එකට දා ගන්න ඕනේ. දාලා පැය දෙකක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියන්න. මේ තමයි මං හදපු පුඩින් එකේ ෆයිනල් ලුක් එක. ඔයාලට ඕන නම් මේකට අපි ඉස්සෙල්ලාම ලේයක හදාගත්තු චොක්ලට් මික්ස් එකක් උඩින් දා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ useful videos බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරගෙන යන්න. Thanks for watching.